नमस्कार किसान भाई, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान विकास के अंदर। किसान भाई, अभी खरीफ का सीजन चालू है और मूंगफली की फसल लगी हुई है, और मूंगफली में एक समस्या देखने को मिल रही है कि तो पीलापन आ रहा है हमारे पौधे में, और पीलापन आता है वो सूख जाता है, फोटो में देख सकते हैं। तो क्या होता है, ये पीला पड़ के धीरे धीरे पौधा सूख जाता है, तो क्या कारण है उसका, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पौधे में, एक से दूसरे पौधे में, दूसरे तीसरे पौधे में करके ये खत्म होते जा रहा है। तो किसान भाई, ये फंगस फंगस का अटैक है हमारी फसलों में, जो बरसात के ज्यादा पानी से और टेम्परेचर के कारण, हाई टेम्परेचर होता है उसके कारण ये फंगस पैदा होते हैं हमारी फसल में। तो हम ऐसा कौन सा स्प्रे करें उसमें कि हमारी फसल सुरक्षित हो जाए और नुकसान होने से बचे। तो आइए तंबाकू के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। किसान भाई, इसमें हम जो दवा लेंगे वो लेंगे ब्रैडोमिल गोल्ड, एजेंडा कंपनी का आता है, मेटालैक्सी 4% और मैंगोजेब 64% कंटेंट रहता है। हम एक एकड़ की बात करेंगे, एक एकड़ का डोज की बात करेंगे, तो उसमें हमको लेना है 50 ग्राम के हिसाब से 10 पाउड लेना है रेडीमेल गोल्ड के। उसके बाद लेना है बवास्टीन, जिसमें कार्बन नजीब मैंगो जेब कार्बन नजीब रहता है बवास्टीन में, सिस्टमिक फंगिसाइड, उसको लेना है 250 ग्राम, इमीडा क्लोरपेट 40% और फिप्रोनिल 40%। ये तीनों दवाइयों को लेना है और 150 लीटर पानी में इनको घोल लेना। 150 लीटर पानी में घोलने के बाद इसमें मिलाना है आपको 250 ग्राम का स्टीकर, जो सिलिकॉन बेस में आता है सिटको, वो इसमें मिलाना है। और ये पूरा 150 लीटर जो पानी है पूरा एक एकड़ में खाली करना है। पौधे को अच्छा भिगोते हुए डालना है, जिससे भीगता हुआ पूरा जमीन के नीचे तक जाए, क्योंकि इसमें हमें जड़ों तक पानी पहुंचाना रहता है, जो दवाई वाला पानी है वो जड़ों तक जाए और पूरा पौधा उसमें पानी में तर हो जाए। तो इससे क्या होता है, जल्दी से रिजल्ट मिलेगा हमें, और जो पौधे रोग की चपेट में आ गए हैं तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, रोग उनसे दूर हो जाएगा। तो ऐसा करना है हमें, और नमी रहना चाहिए जमीन में, इसको स्प्रे करने से पहले नमी रहे जमीन में, पर्याप्त नमी रहना चाहिए। तो क्या होता है, उससे दवाई जल्दी लगती है पौधे में, दवाई असर करती है, तो हमारी जो फसल है वो तो जल्दी से इस रोग से मुक्त हो जाएगी। क्या होता है, जड़ें जो सड़न रोग रहता है, जड़ में काला रूट आ जाता है, या इसमें जड़ सड़ने की जो रोग लगने लगता है, तो उससे फसल जो पौधे जो खराब हो गए हैं वो तो खराब हो ही गए हैं, नए पौधे खराब नहीं होते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। तो किसान भाई, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।